हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो सभी लाइक कीजिए जो मेरे दो पहले ब्लॉग डाले हैं, एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आज मैंने सोचा कि कुछ खाएं और चैलेंज बनाएं, क्योंकि सैम ने मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग किया था पहले कार ब्लॉग में और पहले ब्लॉग में। तो आज हमने सोचा है कि कुछ चैलेंज करें, तो अभी सोच रहे हैं कौन सा करें, तो बताती हूँ मैं। हे गाइस, तो इनसे मैंने फ़ोन पकड़ लिया नहीं मैंने खुद ही दिया, इन्होंने नहीं लिया। नहीं नहीं, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा है। ठीक है ठीक है। और मैं पहले मेन्यू देख रहा था, सोच रहा था कि कौन सा हम चैलेंज करें आज। तो ये बाद में वैसे बहुत सारे थे कि ये बोल रहे थे कि पहले सोच, हमारा आइडिया था कि जो वो स्पाइसी नूडल्स होते हैं ना, फायर नूडल्स, उस पे हम एक चैलेंज वीडियो बनाएं, लेकिन उसका देखा कि हमें यहाँ पर हमारे अवेलेबल नहीं हो रहा था, कहीं पर भी मिल नहीं रहा था, तो वहाँ उनको अमेजोन से ऑर्डर करके घर पे बना के तभी जाके हम उसका चैलेंज बना पाएंगे। तभी आएगा, तो फिर अभी के लिए हम एक पिज़्ज़ा चैलेंज कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा पिज़्ज़ा खाता है और कौन ज़्यादा जल्दी पिज़्ज़ा खाता है, और इसके हाँ इसके साथ ही टाइम नहीं रखेंगे, और देख लेंगे कि कौन सबसे पहले खाता है पूरे का पूरा, ठीक है, और कौन हार मान लेता है। ठीक है, नहीं टाइम होगा तो अच्छी बात रहेगी ना, टाइम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा तो वो तो होता है कि ऐसे कि प्राइज मिलेगा या कुछ नहीं, हम ऐसे नहीं दे देंगे, हम करेंगे कि जो सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा ना, उसको दूसरे बंदे को वो पनिशमेंट देगा, ठीक है, कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है, वो आप खुद सोच लेना। अगर मैं जीता तो मैं सोचूंगा, आप जीते तो आप सोच लेना, वो तो मैं सोच, ठीक है, मंजूर है। ठीक है जी, हमने मैंने इसको पहले बताया नहीं था, ये एक सरप्राइज ही था, पहले हमने सोचा था कि ओनली चैलेंज ही करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं, इसको साथ ही एक हम पनिशमेंट भी ऐड करने जा रहे हैं इसमें, तो देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वैसे मुझे लग रहा है मैं जीत जाऊँ, हाँ जो तो भुक्कड़ बहुत ज़्यादा हो, जीत भी सकते हो। यस, और आपको कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं नहीं, बस आज के लिए इतने। आप तो यही गाइस, इसकी बार इसके क्या बोलते हैं, इसकी बात में मत जाया करो, ये तीन चार बार तो ये ब्लॉग में बोल देती है कि आज के लिए इतना ही, ठीक है, लेकिन ब्लॉग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ब्लॉग को स्टार्ट हुए 3 मिनट नहीं हुए होते और बोल देती है कि आज के लिए इतना ही। नहीं मैंने वैसे बोला, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए नहीं इतना ही, अभी आप देखना जी, देखो अभी भी बोल ही रही है, मैं तो आज के लिए इतना ही बस, हम यही कुछ में बस मेरे लिए, आपके कहने का मतलब था कि आज हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे। यस यस, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसकी भाषा एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि इसकी भाषा किसी को इसलिए समझ नहीं आती, मैं तो काफ़ी टाइम से इसके साथ हूँ तो मुझे तो इसके बारे में पूरा पता है, ठीक है, ये कैसी है कैसी नहीं, ऐसे पकड़ू ऐसे ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे की लाइट अच्छी आती है, जैसे मतलब यार पता है थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ रेस्टोरेंट में, बाकी बहुत बड़ा ये रेस्टोरेंट है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। गाइस यहाँ पर म्यूजिक के साथ साथ एक और म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर, है ना, जो शादी के बाद म्यूजिक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है 4-5 साल तक, वो म्यूजिक चल रहा है पीछे, यानी कि बच्चे के रोने की आवाज़। गाइस इसलिए देखो, अगर आपको शौक है ना ये म्यूजिक सुनने का, आप लोग तभी शादी करवा रहे हैं। कुछ और भी, क्योंकि अभी बारिश, और हमारा पिज्जा आ चुका है गाइस, और हम उसको भी रेडी कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं खाने के लिए, जल्दी करो, सॉस लगा लूं जल्दी जल्दी, मेरा रह गया, अब भी सॉस लगा लूं, तो अब बहुत स्टार्ट करके ही करेंगे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, टाइम का पता नहीं लगेगा। अच्छे अच्छे से लगा जल्दी जल्दी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसको ओनली 30 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर सकता हूँ, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी देखते हैं। चलो हो गया, करें स्टार्ट, 1 2 ये क्या चीज़ है, चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। नहीं चलो चलो ठीक है, नहीं करो ऑन,
एजुकेटिंग। मैंने भी ऐसे कर लिया। चलो चलो 1 2 3 स्टार्ट। वो फियोना आगे चल रही है गाइस। तो ना कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसे ठीक रहेगा। सेम पीस होते हैं फिर ना। एक मिनट छोटी हो जाए अपन रोज़ का। क्यों ना जल्दी, सैम आगे निकल रहा है, देखो उसकी स्पीड देखो। तो फिर बहुत पसंद था। देखो गाइस एक एक पीस रह गया दोनों का, अब देखते हैं, अब लास्ट है मिनट, देखते हैं कौन जीतता है। देखो सैम को लग रहा है मैं जीतूंगा और फियोना को लग रहा है मैं जीतूंगी। सो देखो गाइस देखो गाइस फियोना ने तो दो दो पकड़ लिए हैं साथ। फियोना ने सोच लिया है मैं ही जीतूंगी। देखो गाइस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सैम का तो खत्म होने वाला है गाइस। फियोना आगे निकल रहा है सैम। सैम फियोना खा गई, जल्दी हरी अप। ऐसे नहीं है, दम मुंह खा लूं मैं तभी चली। गाइस आप बताना आप कैसे फियोना ने खत्म कर दिया अभी तक या नहीं। देखो आ गई। ओह शिट, ये क्या हो गया गाइस? ओह माय गॉड गाइस, अब आपने बताना है। देखो फियोना ने तो कर दिया काम, असली विनर कौन है? वो अभी मेरे मुंह में ही है। मैं थंबनेल तो बन गया। मैं जीत गई, यस। गाइस अब आपने बताना है कौन जीता इसमें से। देखो सैम ने तो खत्म कर दिया है। मैंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, ऐसे मैं ही जीता हूं। गाइस ये मान नहीं रही है कि मैं जीती हूं। बहुत स्टॉप कर दो सैम,
आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है? फिर अगर हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कौन किससे पनिशमेंट करवाता है। हाँ।